बहुत बड़ा मंगल सूत्र दिया था, छह तोले का। देखा अगली बारी। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनुतुष व्लॉग्स। गाइज, आज का जो व्लॉग है ना, वो ना ही कोई ट्रैवल व्लॉग है और ना ही कोई कुकिंग व्लॉग है। आज का जो व्लॉग है ना गाइज, वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल मतलब मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है। कुछ दो तीन दिन बचे हैं, बट उससे पहले ही मैं उसको कुछ सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार हर बार ना वही देती है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देती रहती है। बट इस बार मैंने भी सोचा क्यों ना मैं कुछ करूं उसके लिए, ठीक है। एक स्पेशल ना गाइस गिफ्ट हैम्पर ऑर्डर किया है, मतलब बुकिंग बेसिस पे मैंने उसको मतलब कस्टमाइज कराया है, बेसिस पे जो चीज़ें उसको पसंद है, ठीक है। और मैं अभी मतलब लेने जा रहा हूँ उस हैम्पर को, वो बन के तैयार हो चुका है। आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे गाइस, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। ये यार कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, सच में कुछ भी नहीं पता उनको। मैं अपने रूम में बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जैसे मैं उसको ये सरप्राइज देने वाला हूँ तो उसका रिएक्शन आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा होने वाला है उसका रिएक्शन। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसको ये सरप्राइज दूँ तो घर वाले भी साथ में हो, तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो चलो लेट्स गो गाइस, वो लेके आते हैं गिफ्ट हैम्पर। एक चीज़ और बता दूँ गाइस, जो वो मैं गिफ्ट हैम्पर मतलब कस्टमाइज करवाया है ना मैंने, उसमें एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ। अनु कब से बोल रही थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। सी गाइस, मैंने रिसीव कर लिया है वो गिफ्ट हैम्पर और अब अनु के पास लेकर चलते हैं, तो देखते हैं क्या रिएक्ट करती है वो। देखने से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को, और अंदर से भी शायद वैसा ही बढ़िया होगा जैसा मैंने सोचा था। ये चीज़ है गाइस, ये भी मैंने ऑर्डर की थी कि मैं इसको इसमें मतलब कस्टमाइज़ कर सकूँ इसमें। एक चीज़ मैं गाइस आपको बता दूं, ये जो इतना बड़ा डब्बा है ना, मैं इसकी वजह से फंस भी गया था। अनु बोल रही थी, पूछ रही थी कि ये क्या है, क्योंकि मैंने ना गाड़ी में रखा था और वो पूछ रही थी कि क्या है। मैंने उसको ये बोल के टरकाया कि इसमें तो कुछ मतलब व्लॉग शूट करने के लिए ना कुछ स्टैंड वैंड है, तो वो मान भी गई इजिली, मतलब उसको ज़्यादा पता ही नहीं लगता है। और इसमें से निकली है ये है रियल मी की स्मार्ट वॉच, जो कि अनु को कब से ज़रूरत थी। मतलब वो ऐसा बोल रही थी कि कोई भी स्मार्ट वॉच चलेगी, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें पसंद है, वो हर चीज़ देखती रहती है। मैं उसको यही बोलता हूँ कि तू सब्र कर, तेरे को हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ का टाइम आता है। तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है, बढ़िया है, तो उसको मैंने मतलब उसके लिए ऑर्डर कर दी। बट एक चीज़ यहाँ देखो, अब मैंने सोचा था कि इस बॉक्स में ना मैं इसको भी ऐड कर दूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने जगह उनको मैंने बोला था कि इसमें थोड़ी सी स्पेस रख देना, क्योंकि मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है। बट अब इसमें मैं ऐड कैसे करूं, ये तो ऑलरेडी इतनी बढ़िया पैकिंग है, अगर मैंने इसकी पैकिंग वो कर दी ना तो मुझसे दोबारा ऐसी पैकिंग हो ही नहीं पाएगी, मुझसे क्या किसी से भी नहीं हो पाएगी। Oh, no. तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रूम को भी डेकोरेट कर दिया, वो स्माइलीज वगैरह लगा दिया, और इसको बिल्कुल जो गिफ्ट बॉक्स है उसको बिल्कुल सेंटर में रख दिया, ताकि जब अनु आए और एकदम से उसको सरप्राइज लगे। और साथ में मम्मा ने भी थोड़ी हेल्प किया। मम्मी क्या लगता है आपको, कैसा लगेगा उसको ये सरप्राइज, अच्छा लगेगा कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। हाँ, वो तो खुश हो जाती है, उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज दो ना। ओके, तो फिर लगा लेते हैं उसको। आवाज क्या बोलते हैं, बुला लें उसको? बुलाओ दो आप जरा आवाज। अनु आ जाओ बेटा। ये जो लाइट्स हैं इनको भी ऑफ कर देते हैं, और ये वाली लाइट्स में जब वो आएगी तो उसको थोड़ा और बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया सरप्राइज। क्या हुआ, इतनी आवाज़ क्यों दे रहे हो, और ये लाइट्स क्यों ऑफ की है? ओ माय गॉड, ये क्या है ये, देखो तुम देखो, तो आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम तो भाई, सुबह से यही कर रहे हैं। क्यों मम्मी, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम सुबह से। yes. तुम्हें सिर्फ वॉच ही दिखी और नहीं कुछ दिखा तुम्हें? हाँ, हमने तो इतना कुछ प्लान किया, पर अभी तो टाइम है ना थोड़ा सा। तो क्या है, अभी तो शुरू ही हुआ है। इन एडवांस थैंक यू। हाँ जी, फिर करो स्टार्ट, फिर खोलो। क्या बोलूं, पहले देखो जो आपको पसंद है वो खोलो आप। इसमें
इसमें तो मुझे पता चल गया ना, अच्छा इसमें पहले बोल लेती। खोलो खोलो। क्या है नमक में? मम्मी को नहीं पता कि इसमें क्या है, बस मम्मी ने हेल्प कराई है मेरी। है सब तुम्हारी चॉइस का ही, है सब कुछ तुम्हारी चॉइस का ही। इसका तो बॉक्स ही बहुत प्यारा है, मुझे तो बाहर का ये बॉक्स ही बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब जल्दा प्रिटी है। तू फिर बॉक्स ले ले, सामान मेरे को दे। ठीक है। कैसा लगा फिर तुम्हें? बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। तुमने कभी कुछ सोचा ऐसा मेरे को देने के लिए? अपनी प्लान बना रही है। अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। इस पे लिखा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आई होप दिस हैम्पर ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस एंड ब्राइटन योर डे। ऑब्वियसली थैंक यू। थैंक यू से बात थोड़ी नहीं बनेगी, इससे बनेगी। और ये हमारी मेरी मुझे बहुत पसंद है, ये हम दोनों की फ़ोटो है, ये हम लोग दिल्ली गए थे, ये हमारी तब की फ़ोटो है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। ओ हमारी एक और फ़ोटो, ये हमारी फर्स्ट करवा चौथ की फ़ोटो है। दिखाओ दिखाओ। वेरी नाइस। और इसमें अंदर लिखा भी है द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू माई हार्ट विस्पर्ड दैट्स द वन, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच अगेन। कोई ना चलो। अच्छा इसमें भी है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। इसके पीछे लिखा है व्हाट एन अमेजिंग ईयर, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, थैंक यू। ये दोनों ही मेरी फेवरेट पिक्स में से हैं। ये है लिपस्टिक मेरी फेवरेट, और ये कौन सा शेड है, थैंक यू। कितनी बार थैंक यू करोगी तुम? हाँ मैं एक ही बारी एंड में करती हूँ, पहले मैं चीज़ें देखती हूँ। ठीक है, ये है लिपस्टिक और ये वाली इन्होंने मुझे पहले भी गिफ्ट की हुई है और लॉन्ग लास्टिंग है। मम्मी को लग रहा है कि मम्मी को चाहिए शायद से ये। चाहिए आपको भी? अभी मम्मा के लिए डेट बनवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात करनी है ना मम्मा। वो तुम बनवा देना, मैं थोड़ी नहीं बनवाता रहूँगा सब कुछ। और ये है किसेस, चॉकलेट यार। और ये है चॉकलेट्स छोटी छोटी, ये है पिंक कलर की नेल पेंट, थैंक यू अगेन। ये आ गया तेरा मग, मग। और इसमें लिखा है कि आई विल बी देयर फॉर यू, मी टू ऑलवेज। नेक्स्ट है एक बहुत ही प्यारी सी कांच की बॉटल और इसमें शायद से, इसमें मेरे को लगता है लाइट लुइट भी चलती है शायद से। हाँ, कुछ है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसे ही है बस बॉटल शो पीस वाली। इसमें मुझे लग रहा है कि लाइट चलेगी। क्या है ये? इसमें लाइट चलेगी। चलो बाद में देखते हैं इसको क्या है, इसमें होगा तो सही कुछ ना कुछ जुगाड़। ओह सच में ही चल पड़ी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। लाइट ऑफ करो फिर। ये मम्मा को पसंद आ गया। लिपस्टिक तू रख ले, ये मैंने ली। ये मग मेरा, हम चीजें आधी आधी बांट रहे हैं। जिसका जो पसंद आ गई वो। और इसमें है चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी। ये एक आधी तो दे दोगी मुझे? नहीं ये मम्मा ने पहले ही आधी आधी बांट चुके हैं। फाइव है ना? हाँ। एक एक सौ नहीं, मेरी टू है। इनकी वाली मैं खा लूंगी ना। और ये क्या है, परफ्यूम? ये है शार्जेल और ये ब्रिटिश रोज का बॉडी शॉप का है और ये भी मेरा फेवरेट है। तो याद है तुम्हें एक बार कि तुम शॉप के बाहर ही खड़ी हो गई थी और इन्होंने मुझे खरीदने नहीं दिया था उस दिन। ये ऑलरेडी चार पांच तो पड़े थे तुम्हारे पास, क्या करना था खरीद के, फिर मैंने सोचा कि चलो एक दे ही देता हूँ। अब दो तो अभी भी बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लो। और इसमें है कुछ कुछ फ्लावर्स और फ्लावर्स और फ्लावर्स। इस बॉक्स का क्या करने वाली हो तुम? यार ये बॉक्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही सुंदर बॉक्स है, मतलब इस बॉक्स में लड्डू। इसमें मम्मा, अगर मम्मा रखेगी तो मम्मा लड्डूज रखेगी और मैं तो अपना कॉस्मेटिक्स का सामान। और एक और चीज़ भी तो दी है, उसकी कोई कदर नहीं है क्या? नहीं नहीं आ गया उसका नंबर, चॉकलेट के बाद आया। फिर ये कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, बाहर से तो भी अंदर से देखेगी फटाफट से।
दो कुछ तुम अपने सिर से पिन विन लगा निकाल के तो दो कुछ उससे ही खुलेगी ये। मैं खोल दूँ इसको? यार ये सच बताऊँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही रखूंगा ये। नहीं ये तो मेरा दिख रहा है ना। तो क्या है, तुम भी तो मेरी हो। हाँ चलो कभी कभी पहन लेना। कभी कभी क्यों पहन लेना, दो दो दिन पहना करेंगे ना। बारी बारी आधा आधा दिन, आधा दिन लंच टाइम में मुझे देने आ जाएगा। वाह कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी है। कलर पसंद है तुम्हें? ये गाइस इसके साथ चार्जर भी मिला है, और वैसे अब इसने कर लिया है मतलब स्टार्ट, अभी से स्टार्ट कर लिया है, और बाकी इसका सेटअप करके भी मतलब इसको चला के दूंगा। हाँ जी कैसा लगा फिर तुम्हें ये सरप्राइजेस? हाँ अभी तो एनिवर्सरी आई नहीं है, अभी तो कुछ डेज बचे हुए हैं, फिर भी मतलब मम्मा ने और इन्होंने मिलकर मैंने कुछ 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 डेज प्लान किया। इसलिए बचाए हैं। मैं एक चीज तुम्हें और बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मैंने बोला था ना कि 3-4 दिन और निकाल लो थोड़ा, याद है तुम्हें? मैंने वो इसीलिए बोला था क्योंकि हम क्योंकि जाने वाले हैं अपनी एनिवर्सरी पे मनाली, वाह ये और मैंने सब कुछ मतलब बुक करवा दिया है, सब होटल। कंफर्म हाँ एक और एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गई। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छे लगे इस गिफ्ट और मम्मा ऐसे भी साथ खुश रहो में दोनों, थे। एक थैंक यू दूसरे को सो गिफ्ट देते रहो, और ज्यादा ये देते रहे, मैं ज्यादा लेती रहूँ। तुमने भी देना है उसको कभी कभी। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही छोटे छोटे मौके होते हैं, खुशियां देते रहो लेते रहो। और मेरे को भी अपनी एनिवर्सरी याद आ गई, ऐसे तुषार के पापा ने भी मेरे को एक गिफ्ट दिया था, क्या गिफ्ट दिया था? क्या मेरे मिला को बहुत बड़ा मंगलसूत्र दिया था, 6 तोले का। वाह देखा अगली बारी। पापा ने मेरे को बताया भी नहीं था, आकर मुझे दे दिया, मुझे मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। ये तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, और आई होप कि आपको हम मनाली अपने साथ घुमाएंगे। सो बने रहिए, तब तक कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।